मेरे दोस्तों यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, सब भाई हमारे बिरादराने वतन भी है। न तेरा है न मेरा है यह हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है यह हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मेरे दोस्तों इस तरह की बातें आज के मुशायरे में सियासत ने कहां कहां हमें जख्म दिया है, इन तमाम को अपनी शायरी में पिरोकर मेरे दोस्तों आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारे शायर हजरात और शायरा हजरात करेंगी। मेरे दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि हमारी फहरिस्त के अंदर आपको पता नहीं, मैं इस वक्त कशमकश में हूं। जो मामला 2020 का होता है वो सौरभ गांगुली के चेहरे पर कभी हुआ करता था, इस वक्त मेरे चेहरे पर है, इसलिए कि 30 खिलाड़ी है इसमें हमारी फहरिस्त के अंदर। तो मैं अपने इलाकाई शायर से मुअद्दबाना अंदाज में माजरत के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि इलाकाई शायरों को महरूम नहीं किया जाएगा, वक्त दिया जाएगा, लेकिन उनसे मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि आपको 5 मिनट का वक्त दिया जाएगा, उस 5 मिनट में आप अच्छे शेर का इंतखाब करके आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करें, उनके बाद हमारे मेहमान जो शायर आए हैं उनसे हम ज्यादातर सुनने की कोशिश करें। इसलिए मेरे दोस्तों मैं अनाउंसर हूं, मेरे से सबकी उम्मीदें वाबस्ता है, मुझे तो का भी रोल अदा करना है, मुझे तो बाप का भी रोल अदा करना है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। आइए इलाकाई शायर, मैं जनाब साजिद इकबाल साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें साजिद इकबाल साहब का। हाजरीन मजलिस अस्सलाम वालेकुम, और मैं दिल से सबका इस्तकबाल करता हूं। आपके जज्बे को सलाम, आपके जज्बे को सलाम, आपका हुनर बोलेगा जब बुलंदी की चर्चा होगी तो सारा शहर बोलेगा। और मैं उन माओं से तवज्जो चाहूँगा जो अपने औलाद से कुछ उम्मीद लगा के रखती हैं कि मेरा औलाद ऐसा हो। मैं कतरा था, मैं कतरा था, दरिया हूँ या समंदर हूँ, क्या बात है, मैं कतरा था, हाँ, दरिया हूँ या समंदर हूँ, मैं जो भी हूँ मेरी माँ की दुआओं का असर है। क्या बात है, मैं जो भी हूँ मेरी माँ की दुआओं का असर है, उसने दिया है मुझको अक्सर हौसला, बुरा उसने हमको किसी का करना सिखाया नहीं। क्या बात है, बुरा उसने हमको किसी का करना सिखाया नहीं। और वो इंसान बड़ी बुलंदी पे जा पहुंचे साजिद, जिसने अपने माँ बाप को कभी ठुकराया नहीं। क्या बात है भाई, अपने माँ बाप को कभी ठुकराया नहीं। और सैलाब ज़दा मेरा इलाका है जे, और हमने उस तबाही को देखा है और हमारी आंखों ने उन आंसुओं को बहाया है, हम कितने दर्द को झेले हैं वो हमने देखा है। और मैं बयान करता हूँ, सियासतदान मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। इस तबाही भूख गरीबी, इस तबाही भूख गरीबी का जिम्मेदार कौन है? इस तबाही भूख और गरीबी का जिम्मेदार कौन है? मैं अपनी सुनाता हूँ, ये तुम जानो कि सरकार कौन है। मैं अपनी सुनाता हूँ, ये तुम जानो कि सरकार कौन है। और जब चली दुश्मनों की आंधी, जब चली दुश्मनों की आंधी तो टकराने हम चल दिए, चमन उजर गया तो मेरी खता नहीं। ये आप देखो कि खताकार कौन है, ये आप देखो कि खताकार कौन है। जिससे तलब थी वो कातिलों का रहनुमा बन गया, जिससे तलब थी वो कातिलों का रहनुमा बन गया, और हमारी दी हुई भीखों से वो शहंशाह बन गया। हमारी दी हुई भीखों से वो शहंशाह बन गया। अब तो कोई सुनता नहीं, अब तो कोई सुनता नहीं, किसको सुनाए हाले दिल जी, अब तो कोई सुनता नहीं, किसको सुनाए हाले दिल। हम देख रहे हैं, तुम भी देखो, गरीबों का मददगार कौन है। हम देख रहे हैं, तुम भी देखो, गरीबों का मददगार कौन है। और सियासतदान मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे, सियासत का जहर है गुनहगार बेहिसाब कर देगा। वाह शंकर कैमू सर, सियासत का जहर है
गुनहगार बेहिसाब कर देगा, जमजम हो या गंगा जल हाथ लगाएगा खराब कर देगा। जमजम हो या गंगा जल हाथ लगाएगा खराब कर देगा, और नफरतों के शहर से सारा शहर तबाह हो जाएगा। नफरतों के जहर से सारा तबाह हो जाएगा शहर, और जख्म इतना गहरा होगा कि फूलों के एहसास को खार कर देगा। क्या बात, जख्म इतना गहरा होगा कि फूलों के एहसास को खार कर देगा। और दूसरा शायर यह है कि सियासत की उजरी हुई जागीर देख के, ये हाल है हमारे मुल्क का कि एक पढ़ा लिखा नौजवान अच्छी नौकरी नहीं पा सकता क्योंकि उस पर स्टाम्प लग जाता है कि यह दहशतगर्द है। सियासत तेरी उजरी हुई जागीर देख के, और जाने कितनी आंखें नम है जलता हुआ कश्मीर देख के। सियासत तेरी उजरी हुई जागीर देख के, और जाने कितनी आंखें नम है जलता हुआ कश्मीर देख के। किसी ने तमगा दे दिया हमको दहशतगर्द का, किसी ने तमगा दे दिया हमको दहशतगर्द का। सोचा था कि आईएस बनूंगा रोता हूं तकदीर देख के, सोचा था कि आईएस बनूंगा रोता हूं तकदीर देख के। ऐसा जमाना आएगा किसी को कोई वक्त नहीं देगा, ऐसा जमाना आएगा किसी को कोई वक्त नहीं देगा। जो खुद भूखा है सल्तनत का किसी को सल्तनत नहीं देगा। और तुम इस उम्मीद में मत रहना पत्थरों के शहर में साजिद, तुम इस उम्मीद में मत रहना पत्थरों के शहर में साजिद, तुम्हारा रकीब भी जमानत में अपनी दस्तखत नहीं देगा। रकीब का जवाब नहीं, तुम्हारा रकीब भी जमानत में अपनी दस्तखत नहीं देगा। और सोना छिपा के कोयले की तिजारत करने वाले, हाय हाय, सोना छिपा के कोयले की तिजारत करने वाले, बच्चे भी अब पैदा हो गए हैं बगावत करने वाले। क्या बात है भाई, वाह। सोना छिपा के कोयले की तिजारत करने वाले, बच्चे भी अब पैदा हो गए हैं बगावत करने वाले। और वो खुद को समझते थे चराग या तिलिस्म, वो खुद को समझते थे चराग या तिलिस्म। सितारों अभी बहुत से जुगनू बाकी हैं अदावत करने वाले, सितारों अभी बहुत से जुगनू बाकी हैं अदावत करने वाले। और वो जब तस्वीर लेता है मुझको तन्हा काट देता है, वो जब तस्वीर लेता है मुझको तन्हा काट देता है। खुद रहे अव्वल इसलिए हमें दर्जों में बांट देता है, खुद रहे अव्वल इसलिए हमें दर्जों में बांट देता है। साजिद ये वो रस्सी है जल जाए तो ऐठन नहीं जाती जी, साजिद ये वो रस्सी है जो जल जाए तो ऐठन नहीं जाती। खुद ही बनाता है तमगे और आपस में बांट लेता है, खुद ही बनाता है तमगे और आपस में बांट लेता है। और ये मुल्क का हाल है कि सीमा पे जवान यहाँ भी मरते हैं वहाँ भी मरते हैं, रोज गोलीबारियाँ होती है और शहीद हमारे ही कोई लाल हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बता दो ऐ मुल्क के लोगों, इख्तसार से थोड़ा बता दो ऐ मुल्क के लोगों, कब कहाँ कोई सियासतदान मरता है। बता दो ऐ मुल्क के लोगों, कब कहाँ कोई सियासतदान मरता है। इधर भी मरता है तो जवान मरता है, उधर भी मरता है तो जवान मरता है, इधर भी मरता है तो जवान मरता है, उधर भी मरता है तो जवान मरता है। ये तो कुछ सियासत दांव की खींची लकीर है, ये तो कुछ सियासत दांव की खींची लकीर है। सैलाब कहसाली जैसे आलम में भी तो किसान मरता है, सैलाब कहसाली जैसे आलम में भी तो किसान मरता है। और ये खुसूसन उन बेटियों के लिए जिनको हमारे इस्लाम ने बहुत इज्जत दी है कि कभी जो पैदा होती थी बेटी, कभी जो पैदा होती थी बेटी, जहालत को फिक्र होती थी उसे दफनाने की। कभी जो पैदा होती थी बेटी, जहालत को फिक्र होती थी उसे दफनाने की। अब तो दौर ऐसा आया है साजिद, मोहलत भी नहीं मिलती उसे दुनिया में आने की, मोहलत भी नहीं मिलती उसे दुनिया में आने की। और वो सच्चे हैं जो कोहिनूर का मर्तबा समझते हैं,
वो सच्चे हैं जो कोहिनूर का मर्तबा समझते हैं, कोयले की तिजारत वाले खुद को खुदा समझते हैं, और सोने के खरीदारों अब कोयले भी दिखने लगे जी। सोने के इख्तिसार से साजिद भाई पढ़ा, हाँ हाँ, सोने के खरीदारों को अब कोयले भी दिखने लगे, अब तो सुनारों की दुकानों में कोयले भी बिकने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया।